हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि एसएम ग्रुप का ऑफलाइन कोर्स स्टार्ट होने वाला हैवी डिस्काउंट के साथ। 15 अगस्त का जो स्पेशल ऑफर निकलने वाला है वो 60% ऑफ में निकलने वाला है। ये कोर्स के अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग ये सारा चीज़ इंक्लूड है। अगर हम डीपली बात करें इसके ऊपर में, तो जो हमारा हैंड स्पीड का क्लास है, सबसे पहले तो आपको आईसी पीने का तरीका, एलन और एसएमडी चलाने का तरीका सिखाया जाएगा। कौन सा आईसी को कितने टेम्परेचर में और कितने टाइमिंग में खोला जाएगा, ये सारी चीज़ आपको सिखाई जाएगी। इसके बाद आपको ट्रेसिंग का तरीका सिखाया जाएगा। ट्रेसिंग में जैसे हमारा हर एक आईसी का अपना डायोड वैल्यू होता है, उस वैल्यू को पहचानने का तरीका सिखाया जाएगा। उसके बाद हमारा जो है शॉर्टिंग होगा। शॉर्टिंग के अंदर तीन तरीके का शॉर्टिंग देखने के लिए मिलता है, एक फुल शॉर्ट, एक हाफ शॉर्ट, एक माइनर शॉर्ट। ये शॉर्टिंग को ट्रेस करने का तरीका सिखाया जाएगा और वो भी लैब प्रैक्टिकल के साथ। उसके बाद हमारा जो सॉफ्टवेयर का काम होगा, वो सॉफ्टवेयर किस तरीके से आपको हैंडल करना है, किस तरीके से राइट करना है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की वर्जन क्या है, सॉफ्टवेयर की कैटेगरी क्या है, ये सारी चीज़ की जानकारी सॉफ्टवेयर क्लास में मिलेगा। अगर सॉफ्टवेयर के दौरान किसी कारण से मोबाइल डेड हो जाती है तो उसे रिकवरी करने का तरीका बतलाया जाएगा। अब जो मोबाइल ऑन ऑफ कर रहा है, ब्लिंक हो रहा है, ये उसी डेड हो गया है या फिर योफेज डेड हो गया है, ये इसके अंदर जो डेड बुक रिपेयर का काम होगा वो उसी आईसी को रिपेयर करने से लेकर के यूएफएस चेंज करने तक की क्लास शामिल है। इसके अंदर 30 दिन का हमारा लैब क्लासेस होगा, प्रैक्टिकल क्लासेस होगा और इसकी जो प्राइस है वो 19,999 रुपया। इसके अंदर अच्छी बात ये है कि रहना खाना फ्री हो गया है। 15 अगस्त का ये स्पेशल ऑफर लाभ जरूर उठाइएगा। रहना खाना फ्री इसी के अंदर इनक्लूड कर दिया गया है। 19,999 में फुल एंड्रॉयड कोर्स 15 अगस्त से बेच हमारी चालू हो रही है। जो भाई चाहते हैं मोबाइल हैंड स्किल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेड बुट रिपेयर, प्रोग्रामिंग की काम सीखना चाहते हैं, मोबाइल से रिक्वेस्ट है कि 15 अगस्त वाली बेच में अपनी सीट की बुकिंग करें। यहाँ पे लिमिटेड सीट रहेगी, मात्र 10 सीट रहेगी। चलिए आज की जो प्रोसेस है वो हमारी यूएफएस के ऊपर है। यूएफएस के अंदर हमारे कुछ टेक्नीशियन भाई ने काम किए थे और क्या क्या प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट किए थे, वो सारी चीज आज हम आपको दिखाने वाले हैं और सेट को कम्प्लीटली ऑन करके दिखाने वाले हैं। मॉडल की बात की जाए तो रेडमी नोट 10 मॉडल है, जिसके अंदर यूएफएस 2.2 की लगी हुई है। हैंड स्किल की भी प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व की गई है वो दिखाएंगे, यूएफएस के अंदर क्या प्रॉब्लम किया गया है वो दिखाएंगे, और यूएफएस को रिपेयर किस तरीके से किया जाता है वो दिखाएंगे, और फाइनली सेट ऑन होने के बाद जो प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर की, वो सॉफ्टवेयर को किस तरीके से फिक्स किया जाता है, वो सारा चीज आज हम इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। चलिए वीडियो में। तो आज हमारे पास एमआई का नोट 10 है। अब नोट 10 में प्रॉब्लम क्या है वो ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर बहुत सारे टेक्नीशियन भाइयों ने काम किया है, सीपीयू यूएमसी पे काम किया हुआ है, और ये मोबाइल कस्टमर का कहना है कि डेट था, कहीं दिखाए हैं यूपी वगैरह भी मारा हुआ है, बहुत सारा काम भी किया हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं प्रिंट वगैरह भी कटा हुआ है। मेरे पास आया तो मैंने इसका टेस्टिंग किया, तो टेस्टिंग में टाइम लगता है, हमारा भी टाइम लगता है, आपका भी टाइम लगेगा। अब इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि हमने सीपीयू बैठा दिया तो पोर्ट बन गया, लेकिन जब यूएफएस बैठा दिया तो मोबाइल ऑन नहीं हुआ। इसी को हम लोग टेस्ट करने बैठे हैं, लेकिन वहां पे हम यूएफएस को सिलेक्ट करेंगे। यूएफएस सिलेक्ट करने के बाद अगर आप आईएसपी के द्वारा चेक कर रहे हैं तो आईएसपी मोड पे टिक लगाएंगे, अगर यूएफएस बॉक्स में लगा चुके हैं तो कोई भी टिक आपको नहीं लगाना है। कनेक्ट टू इजीजेट यूएफएस में हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन देगा, इंफॉर्मेशन दिया, आरपीएम भी का भी दिखाया और जो पार्टीशन वगैरह भी दिखा रहा है, और नीचे स्कैन हो पे क्या आ रहा है, ये रहा एरर हमारा, ये रहा हमारा एरर। ये एरर में आप काम नहीं कर सकते।
पे आ चुका है। डेड मोबाइल कंप्लीट ऑन होगा, फिर रिपोर्ट दिखाते हैं। ऑटोमेटिक फास्ट बूट मोड। और काफी यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे आप लोग कि फास्ट बूट को किस तरीके से फिक्स किया जाता है, और इसका एक स्पेशल फाइल भी भाई लोग बना के डाल देंगे। लेकिन आज हम कोई स्पेशल फाइल इस्तेमाल करने वाले नहीं, पहले हम नॉर्मल फाइल इस्तेमाल करेंगे, फिर आगे काम करेंगे। चलिए नॉर्मल फाइल कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हमें UMT अल्टीमेट टूल खोलना है और वापस से हमें UMT से फ्लश करना है, क्योंकि मैंने बॉक्स से भी फ्लश किया। बॉक्स से फ्लश करने से फायदा यह हो गया कि सेट लोगों पे आ गया, कॉन्फिडेंस में आ गए कि हमारा प्रोग्रामिंग ओके हो चुका है। यहाँ पे मुझे इसका फ्लश फाइल डेस्कटॉप में रखना पड़ेगा, मोजिटो। नोट 10 मोजिटो है ना, यहाँ पे हम मल्टी प्रोग्रामर खोलेंगे, थ्री विंडो खोलेंगे, डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और डेस्कटॉप पे फोल्डर है मेरा मोजिटो, उसको सिलेक्ट करेंगे, इमेज सिलेक्ट करेंगे और फाइल हमारा सिलेक्ट हो गया। इसके बाद सिंपली जिस तरीके से आप लोग नोट 10 एस को अनलॉकिंग करते हैं या फिर फ्लैशिंग करने के समय टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करते हैं, उसी तरीके से हम भी यहाँ पे टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके USB को लगाएंगे। अब इसे हम फ्लशिंग स्टार्ट कर देंगे। तो ये फ्लशिंग स्टार्ट हुआ है हमारा, आगे देखते हैं क्या एरर देता है या कुछ मैसेज देता है, उसके बाद ये फ्लैशिंग हमारा स्टार्ट हो चुका है। और UFS है तो टाइम लेगा, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देते हैं। तो फाइनली सेट हमारा चालू हो चुका है। अब इसके अंदर MI अकाउंट लगाऊंगा। MI अकाउंट 3D से स्टार्ट है, देख सकते हैं 3D। अब इसका MI अकाउंट रिसेट करना पड़ेगा। MI अकाउंट रिसेट करने के
100% फुल रिकवरी। सिक्योरिटी चेक कर लिया जाए, ओके, नो प्रॉब्लम।